पूर्वी दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने पांडव नगर थाने की पुलिस के साथ मिलकर हाईवे लुटेरे के एक सातिर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके पास से 6 बाइक और 25 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के ड्राइवर सहित 50 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पूर्वी दिल्ली डीसीपी ओमवीर सिंह के मुताबिक स्पेशल स्टाफ और पांडव नगर की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर 25 मोबाइल और लूट और चोरी की 6 बाइक बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो अब तक 50 से भी अधिक लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कई मोटरसाइकिल जैकिंग के केस आए थे, बाइक जैकिंग के, और खास तौर से ये जैकिंग हुई थी पुस्ता रोड पर। हमारे एक एएसआई को इत्तला मिली के इस तरह का एक गैंग जो पहले भी एक्टिव था वो गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से या गाजीपुर से मिल सकता है। इस टिप ऑफ को स्पेशल स्टाफ की टीम ने और पांडव नगर के पुलिस स्टेशन की टीम को एक जॉइंट एसआईटी बनाई गई। इन्होंने इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और तीन लड़के अल्टीमेटली आइडेंटिफाई हो गए जिन्होंने ये पुस्ता रोड पर तीन वारदातें जो पिछले अगस्त और जुलाई के महीने में हुई थी और एक वारदात सितंबर के महीने में हुई थी इनको सुलझा दिया गया है। इनके कब्जे से 25 मोबाइल फोन जो इन्होंने स्नैचिंग किए थे वो भी रिकवर कर लिए गए हैं। ये लड़के दुर्गेश और मुश्ताक रियाज रिजवान और तीसरा वसीम है। ये तीनों खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं और इनका भी एक साथी फरार है जिसका नाम मैं इस समय डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये हमेशा दो बाइक पर आते हैं और किसी बहाने से किसी भी बाइक वाले को रोकते, उससे बातचीत करते और फिर उसकी बाइक लूट करके ले जाते हैं। ये वही है ना जो मुख्तार नकवी ड्राइवर के साथ इन्होंने किया था। इन्होंने अब तक कुल 50 वारदातें कबूल की हैं जो स्नैचिंग रॉबरी की वारदातें हैं और उम्मीद है कि अब ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और एनसीआर बाइक जैकिंग और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों से कुछ समय के लिए जरूर निजात पाएगा। जो लेडीज पत्रकार छीना झपटी हुई थी उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं? अभी लेडी पत्रकार वाले जो छीना झपटी हुई है उसको हम अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, उम्मीद है उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। खुश हो गया। इनमें से एक विक्टिम बीजेपी के मुख्य कार्यालय में भी काम करता था जिसके साथ में बाइक चेकिंग की। किसके यहाँ काम करते हैं बता दो? बीजेपी के एक बड़े नेता के यहाँ काम करते। सर किस तरीके से बाइक चेकिंग करता था? हथियार जटा देता था, अचानक रुकता? ये हर प्रकार से अगर इनको मौका लगता था कि वो उसको बहाना मार करके बैठा करके साइड में लूट सकते हैं, थप्पड़ मार करके हुआ कवर करके तब भी, और जरूरत पड़ने पर चाकू और कांटा दिखा करके भी रॉबरी किया करते हैं। इसके अलावा एक बहरहाल इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद हाईवे पर होने वाली लूट की वारदात पर लगाम लगेगा। दिल्ली से मथुरेश कुमार की रिपोर्ट।